पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लाइनपार स्थित केजी के कॉलेज में एलएलबी के छात्रों से परीक्षा फीस शुल्क के नाम पर 1450 रुपए जमा कराए थे, जिसमें से 1250 रुपए हर छात्र के बैंक खाते में वापस आने थे, लेकिन 3 माह बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी छात्र के खाते में पैसे नहीं आए हैं। इसी बात से परेशान होकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम ने कॉलेज में जाकर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की व अपना विरोध प्रदर्शन किया। जल्द फीस वापिस करने की मांग की और कहा कि अगर कॉलेज प्रशासन छात्रों की फीस देने में आनाकानी करता है तो फिर छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम के साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं का गुट भी मौजूद रहा। देखिए, आज एलएलबी के जो जितने भी सेमेस्टर अपने केजी के कॉलेज में चल रहे हैं, उनसे जो इन्होंने परीक्षा शुल्क के नाम पे 1450 रुपए लिए थे केजी के महाविद्यालय ने, और 1250 जिसमें वापस होने थे छात्रों के, वो अभी तक 3 महीने हो चुके हैं और किसी भी छात्र के अकाउंट में अभी तक 1250 रुपए वापस नहीं किए गए हैं। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया प्राचार्य महोदय को, और प्राचार्य महोदय की तरफ से विद्यार्थी परिषद को आश्वासन दिया गया कि ये हफ्ते के भीतर पूरा डाटा अपलोड कराकर और उनके छात्रों के खाते में राशि पहुंच जाए।